मेरे ख्याल में मेरी जो प्रेडिक्शन है ये सबकी बैंड बजाने वाले हैं जो KFC मैकडॉनल्ड को मतलब टफ किस्म का कंपटीशन देंगे। अस्सलाम वालेकुम लेडीज़ एंड जेंटलमैन, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। कल रात को हम गए अलबैक ट्राई करने, ठीक है जी। अलबैक आपको पता है जैसे सऊदी की बड़ी फेमस चेन है, जैसा कि KFC दुनिया में फेमस है, सऊदी में अलबैक फेमस है, और वहाँ पे अलबैक को KFC भी कम्पीट नहीं कर सकता। तो हमने बचपन से बड़ी तारीफ़ें सुनी थी अलबैक की कि यार अलबैक बड़ा ज़बरदस्त है और बड़ा टेस्टी है। ये वो जो भी हज पे जाता था, उम्रे पे जाता था, वो हमें आगे बड़ी तारीफें करता था अलबैक की। तो रात को हम गए जी अलबैक, अभी अभी इनॉग्रेट हुआ है दुबई मॉल में, उन्होंने फर्स्ट ब्रांच ओपन किया, और आई थिंक इफ आई एम नॉट रॉन्ग ओवरसीज में उनकी फर्स्ट प्रेजेंस है आउटसाइड ऑफ सऊदी। तो दुबई मॉल, दुबई में उन्होंने फर्स्ट ब्रांच अपनी ओपन की है, और भाई साहब आवाम जो है ना टूट के पड़ गई है, जैसे कोई फ्री बांट रहे हैं वो। कल हम गए थे रात को दुबई मॉल, और वहाँ पे शदीद नहीं मिला हमें मतलब उन्होंने 6 बजे ही ऑर्डर टेकिंग बंद कर दी थी, शाम को 6 बजे। हम गए थे करीबन 9:30 बजे, तो वहाँ से वापस आ गए हम, और अभी भरी दोपहर तपती गर्मी में 52 डिग्री सेल्सियस, तो नज़र आ रहा होगा कि 52 डिग्री सेल्सियस कुछ टेम्परेचर है, और आई थिंक यहाँ पर कोई एक्सीडेंट भी हुआ जिसकी वजह से। तो अभी जा रहे हैं हम, आपको दिखाते हैं दुबई मॉल में। लकीली अगर हमें मिल गया तो उसका थोड़ा सा रिव्यू कर लेंगे, अगर नहीं मिला तो फिर कभी चले जाएंगे। यार चेक करें यार, क्या चीज़ बनाई है सिटीज़ ब्रावोस, G63 का ये कस्टमाइज वर्जन है, ज़बरदस्त, अमेजिंग अमेजिंग मशीन। तो जनाब जैसे देख रहे हैं आप, यहाँ से बुर्ज खलीफा का व्यू आता है वहाँ पे, अगर आप लोगों को शायद नज़र आ रहा हो, बुर्ज खलीफा नज़र आता है यहाँ से, बड़ा अच्छा व्यू होता है उसका। लेकिन आज यहाँ पे गर्मी बहुत है एक तो, और ऊपर से सैंडस्टॉर्म, जिसकी वजह से बिल्कुल विजिबिलिटी किसी चीज़ की नहीं है, बहुत हल्का सा एक नज़र आ रहा है कि कुछ है यहाँ पे, और शदीद गर्मी है आज यहाँ पे। तो जनाब अलबैक की जो क्यू में लग चुके हैं हम, और मंसूर भाई तो अभी भी हिम्मत हार गए, ये कह रहे हैं वापस चलो, लेकिन मैं कह रहा हूँ नहीं, आगे जाना है। मिशन सक्सेसफुल, मिल गया हमें अलबैक, अभी जाके ट्राई करते हैं कि है कैसा। एट लास्ट मिशन सक्सेसफुल, और फर्स्ट टाइम हम ट्राई करने लगे हैं अलबैक, और सिर्फ नगेट्स ही मिले हैं, और कुछ इनके मेन्यू में अभी अवेलेबल नहीं था, क्योंकि आवाम जो है बहुत पहाड़ों में इतना बड़ी हुई है। ये वाइट सॉस है इनका, ये बड़ा फेमस है मैंने सुना है, और साथ में नगेट्स हैं, अभी ट्राई कर रहे हैं। बहुत आला, मैं वाकई यार ज़बरदस्त चीज़ है, सिर्फ ट्राई जो नगेट्स, यही दो चीज़ें अवेलेबल हैं अभी। ये वाइट सॉस है ना इनका, इसकी असली गेम है सारी। 10 out of 10, मजे की चीज़ है। रेड सॉस केचप है उसके अभी बहुत मजा आ रहा है, ये आई थिंक स्पाइसी वाला है, और मैं दूसरा भी ट्राई करता हूँ, एक रेगुलर है एक स्पाइसी है। ये रेगुलर था, ये स्पाइसी है, इसमें नज़र आ रहा है थोड़ा सा रेड रेड आपको नज़र आ रहा होगा। इनका मेन्यू अभी सेट था, इन्होंने सिर्फ हमें यही दिया है, ये नगेट्स और फ्रेंच फ्राइज, हमने कहा हम खुद ही इम्प्रोवाइज कर लेते हैं इसको, बन पकड़ा और इसमें हमने डाले हैं दो नगेट्स
डालेंगे फ्राई बीन में, और थोड़ा सा इसमें डालेंगे सॉस, और ये हमने खुद ही हैंडमेड बर्गर रेडी कर लिया था, अभी ट्राई करते हैं। जी जनाब, फाइनली वी हैव ट्राइड अल्बेक। मतलब इतना कस्टमर रिस्पॉन्स, मैं तो हैरान हो गया देख के। बट ये है कि उन्होंने इसी वजह से लिमिटेड मेन्यू, सिर्फ दो आइटम्स थी उनके पास, उनके जो नगेट्स हैं, एक स्पाइसी नगेट्स और एक रेगुलर नगेट्स, वो मील थी एक फ्रेंच फ्राइज के साथ, बस वही था फिलहाल अवेलेबल, और कुछ भी नहीं था। तो हमने ट्राई किया दोनों बहुत मज़े के थे। नगेट्स जो नॉर्मली हम लोग खाते हैं वो मतलब एक पेस्ट सा आप कह सकते हैं वो होता है मतलब, लेकिन इसमें ना ये ऐसे लग रहा था जैसे आप KFC से आप फिले चिकन लेते हैं, तो उस तरह के नगेट्स थे। और मतलब फर्स्ट टाइम मैंने तो ट्राई किए हैं, बट मेरी तरफ से रेटिंग 9/10 है। एक तो पोर्शन साइज़ बहुत अच्छा था, आई थिंक एक मील 15 दरम की थी, फ्राइज, बन, सॉस, वो तो उनका लेजेंडरी वाइट सॉस है जो कि बड़ा फेमस है वो, और साथ में नगेट्स भी, आई थिंक उसमें को 8-10 के 11 नगेट्स थे, 12 नगेट्स थे, कुछ ऐसा था। बट पोर्शन साइज बहुत अच्छा था, प्राइस कम्पिटिटिव है। मेरे ख्याल में, मेरी जो प्रेडिक्शन है, ये सबकी बैंड बजाने वाले हैं, जो KFC मैकडोनल्ड को मतलब टफ किस्म का कंपटीशन देंगे ये लोग। तो बड़ा मज़ा आया, इन्जॉय किया हमने फूड, और इंशाल्लाह जब इनका मेन्यू दोबारा, ये अपना फुल मेन्यू के साथ आएंगे, फिर दोबारा भी ट्राई करेंगे हम। और मेरी तरफ से 9/10 ओवरऑल रेटिंग, थोड़ा सा वेट करना पड़ा बट इट वॉज वर्थ इट। तो ये था आज का व्लॉग, यहीं पे ख़त्म करते हैं इसको। अल्बेक जब दोबारा अपने मेन्यू के साथ आएगा फिर ट्राई करेंगे, फिर आपको इनका डिफरेंट आइटम्स दिखाएंगे। तब तक स्टे ट्यून्ड, अल्लाह हाफिज़।